गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन टू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर क्लास टू. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन वन ऑफ दिस बुक, सो टेक आउट योर बुक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर कंप्यूटर बुक. नाउ ओपन दिस एंड टेक आउट योर फर्स्ट लेसन. Yes, first lesson is given on page number 5. As you can see here, page number 5. And first lesson is computer and electronic device. First lesson, computer and electronic device. Computer, what is a computer? And electronic device, because इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली से चलता है, इसलिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ओके, फर्स्ट सी इन दिस लेसन, व्हाट इज इन दिस लेसन. नंबर वन, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. टू, डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग्स. नंबर थ्री, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. फोर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. Okay, so we will read about these headings in this lesson. Okay, so are you ready? Very good. Now, first we will do reading. There are so many machines which we see and use every day, like a television, a CD player, a mobile phone, etc. All these are electronic machines. Students, as you know that there are so many machines which we are using nowadays. Okay? Like television, as we are using television to watch the channels. Okay? CD player, mobile phones, washing machines, car, bike, fans, एटसेट्रा. ओके, ये सब क्या है? मशीन्स जो हम यूज कर रहे हैं. ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं. टेलीविजन, सीडी प्लेयर, मोबाइल फोन एटसेट्रा, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, बिकॉज दीज मशीन्स रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं. सी द पिक्चर्स इज गिवन हियर. First picture is of television. Next, mobile phone. Next, CD player. Okay, you know na? Very good. You have seen these? Yes, because we are using these at our home. Next, a computer is also an electronic device which is used to perform different types of tasks. Like these machines, computer is also an electronic machine, and we are using computers to perform various tasks. Okay? It is used to play games, watch movies, send and receive messages, draw pictures, solve sums, etc. And computer is used to play games. We can watch movies, we can send and receive messages using internet, draw pictures, solve sums, etc. ठीक है, ये सब जो वर्क है हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. वॉट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड वर्क कंटिन्यूसली. ठीक है, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कभी भी थकता नहीं है, बिकॉज दिस इज अ मशीन. It never gets tired and works continuously. और लगातार ये work करता है. Next, a computer is very fast at work. Computer बहुत तेजी से work करता है. It does big calculation in seconds. और ये बड़ी बड़ी calculations को कर देता है. ठीक है, seconds में solve कर देता है. कितना भी बड़ा sums हो, कितनी भी बड़ी digit हो, उसको ये solve कर देता है. अ कंप्यूटर नेवर कमिट्स अ मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है.
बिकॉज इट इज अ मशीन, सो इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक, ये कभी गलती नहीं करता है. नेक्स्ट कंप्यूटर मैनर्स, एज वी आर हैविंग गुड मैनर्स इन अवर लाइफ सो वी हैव टू फॉलो ऑल्सो कंप्यूटर मैनर्स यूजिंग कंप्यूटर. ठीक है, हमें कंप्यूटर मैनर को भी फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज सिट इन करेक्ट पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, हमेशा हमें सीधी बैठना चाहिए जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हों. जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो हमें सीधे तरीके से बैठना चाहिए. ओके, हमारा जो पोस्चर है, बैठने का तरीका है, बिल्कुल सही होना चाहिए. अंडरस्टूड? वेरी गुड. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर परफॉर्म मैनी फंक्शंस साइमल्टेनियसली. कंप्यूटर परफॉर्म्स, कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स? ठीक है, क्या अंतर है? अ कंप्यूटर, अ ह्यूमन बींग. फर्स्ट इज इट कैलकुलेट्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर कैन कैलकुलेट्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत तेजी से कैलकुलेशन करता है, वेरी फास्ट वर्क करता है. एंड ह्यूमन बींग, ह्यूमंस टेक मोर टाइम टू कैलकुलेट. एंड ह्यूमन बींग्स, वी आर द ह्यूमन बींग्स, सो वी टेक मच टाइम, मोर टाइम टू कैलकुलेट. हमें टाइम लगता है कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, हम लोगों को सम्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है. ओके, नेक्स्ट इज इट वर्क्स कंटिन्यूसली, ये लगातार वर्क करता है. एंड ह्यूमंस दे नीड रेस्ट आफ्टर वर्क. लेकिन जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, थक जाते हैं, हमें काम करने के बाद रेस्ट चाहिए होता है. ओके, नेक्स्ट इट नेवर मेक्स अ मिस्टेक. कंप्यूटर नेवर मेक्स अ मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, गलती नहीं करता है. एंड ह्यूमंस कमिट मिस्टेक्स. ओके, दे कमिट मिस्टेक. और ह्यूमन क्या करते हैं? गलती कर देते हैं. नेक्स्ट अ कंप्यूटर इट हैज नो फीलिंग्स. इसके कोई फीलिंग नहीं होती है, मींस इसको कोई बुखार नहीं होता है. ओके, कोई पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है. ये सिर्फ बिजली से चलता है और ये लगातार वर्क करता है. बट ह्यूमंस आर फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स. लेकिन ह्यूमंस में इमोशंस भी होती हैं और फीलिंग्स भी होती हैं. ठीक है, मींस ह्यूमंस को कभी थक भी जाते हैं, कभी उन्हें रेस्ट भी करना है, कभी फीवर आ गया, कभी उनका मूड नहीं है वर्क करने का. सो ह्यूमंस आर फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स. नेक्स्ट इट वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन बींग्स. और कंप्यूटर किसकी हेल्प से चलते हैं? ह्यूमन बींग से. ह्यूमन बींग्स मीन्स वी. ओके, हम उन्हें जो वर्क करने को बताते हैं, तो कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका वर्क करता है. ठीक है, बट ह्यूमंस कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. लेकिन ह्यूमंस अपनी मर्जी से अपना कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें अगर सॉल्व को माइनस करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस करना है तो हमें एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा. ओके, तो वो हमें बताना पड़ता है कंप्यूटर को, और जो बाकी का जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर अपने आप उसको सॉल्व करके आपके आगे रिजल्ट शो कर देता है. बट ह्यूमंस अपनी मर्जी से सोचेगा. ठीक है, हम अपनी मर्जी से सोचते हैं, अपनी मर्जी से अपना वर्क करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूटर
वर्ड कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट से. ओके, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट. अंडरस्टूड? वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ओनली फॉर टुडे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, सो टिल देन डू रीडिंग ऑफ दिस लेसन. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टडी वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.